ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के अग्रसेन स्कूल, महाराजा अग्रसेन स्कूल में, जहां पर कुछ बच्चे हैं मेरे साथ। और ट्वेल्थ का जो रिज़ल्ट है बोर्ड का, वो जारी हो चुका है। करीब 99% बच्चे जो हैं वो पास हो गए हैं। बच्चे जो हैं इनसे जानते हैं कि कैसा इनका रिज़ल्ट रहा, और कोविड के बाद अब जैसे स्कूल खुलने की जो प्रक्रिया है वो जारी हो चुकी है और आगे भी स्कूल जो है वो खुलेंगे, तो कैसा लग रहा है इनको यूनिफॉर्म पहनने के बाद सबसे पहले। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम। हाय, माय नेम इज़ वंशिता मीना, आई एम फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। तो स्कूल जो रिज़ल्ट आ गया है, कैसा रहा आपका रिज़ल्ट पहले तो? आई स्कोर 97.8%। तो और कैसा लग रहा है यूनिफॉर्म पहनने के बाद? अब आज तो खैर स्कूल नहीं था, अब आगे जो स्कूल हो गई बता दिया गया होगा, तो कैसा लग रहा है यूनिफॉर्म पहनने के बाद? करीब 1.5 साल हो गया होगा। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मतलब ऑब्वियसली अच्छी फीलिंग है स्कूल आने के बाद, और अब तो बाद बाकी क्लासमेट्स को मिस किया ही होगा इतने टाइम में। ऑब्वियसली यस, ऑनलाइन। तो जो ऑफलाइन पढ़ाई पहले आपकी होती थी, अब कोविड के बाद ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, और ज़्यादातर जो टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, या आप लोग भी ज़्यादातर ऑनलाइन प्रक्रिया में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कैसा रहा इतना दौर ऑनलाइन पढ़ाई में, और जो इंटरनल एग्ज़ाम्स भी हुए उसमें? ऑनलाइन क्लास ऑब्वियसली एक नया फेज था हम सब के लिए, एंड इट वॉज़ रियली टफ। टू बी ऑनेस्ट, इट वॉज़ रियली टफ बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज़, मतलब टीचर्स वो ऑल्सो फेसिंग डिफिकल्टी इन टीचिंग, राइट? तो हमें भी समझने में था, बट इट वॉज़ नाइस। थोड़े देर बाद, मतलब सेप्टेम्बर अक्टूबर में सब नॉर्मल हो गया था, और एग्ज़ाम्स तो फिर ऑनलाइन टफ थे, टीचर्स के लिए भी टफ थे बिकॉज कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं था, और तो मतलब ठीक था। इट वॉज वैसे डिफिकल्ट ही था एक्सपीरियंस, आई वुड से। आपका नाम? तनीषा गुप्ता। आप कौन सी स्ट्रीम से? आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। कैसा रहा रिजल्ट आपका? आई सिक्योर 96.6%, एंड आई वॉज रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। घर में ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा था? स्कूल को मिस कर रहे थे, टीचर्स को, क्लासमेट्स को? ऑफलाइन ज़्यादा सही था या ऑनलाइन ही ठीक है? ऑफलाइन वॉज मच बेटर बिकॉज देर वॉज अ डिफरेंट एनवायरमेंट। वी यूज टू स्टडी विद आर क्लासमेट्स ओनली, सो वॉट एवर क्वारी वी हैड वी कैन आस्क फ्रॉम टीचर्स डायरेक्टली एंड इवन फ्रॉम आर फ्रेंड्स। ऑनलाइन घर का एनवायरमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है, पेरेंट्स भी है वो भी घर पर है, और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो रहे, तो डिफरेंट इन्वायरमेंट हो जाते हैं, तो ऑनलाइन में थोड़ा टफ हो गया था स्टडीज़। ऑनलाइन में टफ हो गया मतलब, अब ऑफलाइन आके स्कूल में आके ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, आपका नाम? अक्षत गोयल। कौन सी स्ट्रीम से आप? आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। तो कैसा लग रहा है स्कूल आके? बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स लाइक ऑल दीज मेमरीज एंड इट्स वेरी गुड टू रिविजिट ऑल ऑफ दैट। तो अब 12th तो लगभग समाप्ति हो गया, क्योंकि रिजल्ट आ गया है, तो अब 12th की जितनी मेमोरीज हैं वो कितना याद करेंगे, क्योंकि अब कॉलेजेस हैं और आगे कॉलेजेस की कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? सो बेसिकली फर्स्ट तो ये स्कूल जो है, अब 12th में देयर वाज नो मेमोरीज, हमने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी है, बट ऑफ कोर्स 11th तक हमने जो भी करा दैट विल बी इन आवर मेमोरीज, एंड आई विल डेफिनेटली चेरिश दैट फॉर ऑल माई लाइफ। एंड फॉर नाउ आई एम जस्ट होपिंग, मैं कॉलेजेस के लिए अप्लाई करूँगा, एंड आई जस्ट होप टू गेट इन टू अ गुड वन। एंड या अभी तैयारी चल रही है एंट्रेंस एग्जाम की? यप, हाँ ये करूँगा। आपका नाम? अंशिका शर्मा, आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। कैसा लग रहा है स्कूल आके? तो मैं सबसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग जो राय है वो अलग अलग हो सके। It was really good. I mean, we just have been to the library, Akshita and I, and we revisited the shelves and saw the books, and it was just so good. कौन से फैकल्टी को ज़्यादा मिस किया इतना टाइम? English. I'm a bit of an English nerd, so yeah, English. तो अब आगे कैसे तैयारी है वो जारी रहेगी, क्योंकि 12th हो गया है, और कितना रिजल्ट स्कोर किया आपने? My best of 4 comes out to be around 97%. So I'm hoping to get into some good colleges. I want to pursue English honors. So the cutoff for that is always skyrockets. Cutoff का वेट हो रहा है अलग अलग कॉलेजेस का। कुछ एंट्रेंस की तैयारी शुरू हुई आप लोगों की? Yes, I'm preparing for the entrance exam. Actually, I'm preparing for BMS and the Bachelor's of Business Economics exam. अच्छा, और एक 12th वालों की जो ज़्यादातर वो रहती है कि भैया हमारी फेयरवेल कैसी होगी? फेयरवेल आप लोगों ने तो मिस कर दी होगी फेयरवेल, तो कैसा लग रहा है? It's obviously very disappointing. We didn't have any farewell. We had so many plans.
like we are from the student council, Akshatanaya. So we made plans, we made slide shows, we were so excited for it, and then in the end the second wave comes and washes everything like that. So yeah. और अब second wave आ गई, third wave की लगभग तैयारी जो है वो बताया जा रहा है कि third wave जल्द ही आ जाएगी और कई राज्यों में cases जो हैं बढ़ रहे हैं. तो कोरोना को लेकर आप लोग कैसे जागरूक हैं, कोरोना के बारे में कितना पता है, और आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, पढ़ते हैं इस बारे में, इंटरनेट पे भी आप ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप ज़्यादा जान पा रहे होंगे, टीचर्स ने भी बताया जितना भी, तो और लोगों को जिनको आपको लगता है कि उनको बताना चाहिए, जाना चाहिए, तो आप कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से, बता रहे हैं? Not as such I have been doing, but yeah, precautions is the must for sure. Social distancing, washing the hands regularly and wearing the mask, it's must. तो ये कुछ बच्चे थे हमारे साथ जिन्होंने अभी 12th जो है वो क्लियर की है और अब आगे की तैयारी इनकी चल रही है. कॉलेजेस जो हैं वो कट ऑफ देख रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं. 12th तो इन्होंने अच्छे से कर लिए, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेमोरीज हैं स्कूल की वो मिस कर रहे हैं ऑब्वियसली. तो इनको जो है वो बेस्ट ऑफ लक है दिलीप अपन टीवी की तरफ से, ऑल द बेस्ट कि ये अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करें. धन्यवाद. लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com. खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर